मेरे पास है ये 500 रुपया और मेरे साथ है एक यूट्यूबर और ये 500 रुपया वो विन करेगा जो इस वीडियो के ज्यादा से ज्यादा गेम्स खेल पाएगा और जीतेगा। इस वीडियो का टोटल 5 राउंड होने वाले हैं जिसमें से जो ज्यादा विन करेगा चैलेंज वो इस वीडियो का विनर हो जाएगा और ये 500 रुपया वो जीत जाएगा और मैं कोशिश करूंगा कि मेरा 500 बाज जाए ये ना जीते। अपना चैलेंज स्टार्ट। पहला राउंड होने वाला है टक टक, जो ज्यादा देर टक टक करेगा वो इस राउंड का विनर हो जाएगा। अरे वीडियो का थोड़ा बजट लो है इस वजह से हमने ये क्लॉक ले आया है। अभी देखते हैं कि सबसे ज्यादा कौन टक टक कर पाता है और कौन इस राउंड का विनर होगा। सनी देओल सिंह एक लूडो का दाना है, ये जिस आदमी होगा सही इसने गैस कर लिया तो इसकी बारी पहले आ जाएगी, अगर ये सही से गैस ना कर पाया तो फिर जाना मेरी। तो अभी मैंने छुपा लिया अपने हैंड में, देखते गैस कर पाता है कि नहीं। पर बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया था रहमान ने ढूंढने में, लेकिन लास्ट पे ये फिर भी सही से गैस नहीं कर पाया। ये सबसे पहले मैं करूंगा। यहाँ पर मैं और रहमान बहुत ज्यादा खुश थे, लेकिन जैसे जैसे आगे और चैलेंज आते गए मेरे और रहमान के लिए चैलेंज जीतना बहुत मुश्किल हो जा रहे थे। 30 सेकंड पे स्टार्ट होने यहाँ पर मैंने थोड़ा तेज करने की कोशिश की लेकिन वो बंद हो गया। तो यार 100 से 11 तक गया, तो देखते हैं कि ये कितने टाइम तक कर पाता है। यहाँ पर मुझे ये था कि 19 सेकंड बहुत ज्यादा हैं, लेकिन अरमान ने ये 19 सेकंड बहुत जल्दी कंप्लीट कर लिए। यहाँ पर ये चैलेंज तो विन कर चुका था, लेकिन मैंने सोचा कि और करके देख लेते हैं कब तक ये कर पाता है। अरमान ने काफी ज्यादा डेट टक टक किया, लेकिन ये रुकने का नाम ही नहीं था ले रहा। तो गाइस ये जरा विनर कार्ड, ये जरा मेरे टाइम से ज्यादा कर चुके हैं, तो अभी इस राउंड का ये विनर हो चुका है। अब नेक्स्ट राउंड में जरूर जीतूंगा क्योंकि यार पहला राउंड ही हार गया तो 500 मेरा जाया हो जाना है। अभी चलते हैं नेक्स्ट राउंड की तरफ, लेट्स गो। पहला राउंड तो हमारा खत्म हो चुका है, अब सेकंड राउंड में हम इस गाने को छुपाने वाले हैं और ये या मैं ढूंढने वाला हूँ 1 मिनट के अंदर। जिसने 1 मिनट के अंदर ढूंढ लिया वो जीत जाएगा, अगर 1 मिनट में ना ढूंढ पाए तो वो हार जाएगा। इसके बाद मैंने अरमान को कहा कि चलो तुम टास्क करो। Yes! अभी मैच पाने वाला हूँ और ये ढूंढेगा 1 मिनट के अंदर। ये जाएगा बाहर, चलो जल्दी चले, जब टाइम खत्म हो जाएगा तब ये ऐसे जाएगा। अच्छा अच्छा चलो, मैं अभी ये जाना। इसके बाद दाना मैंने सोफे के नीचे छुपा दिया। अभी जाना मैंने छुपा लिया है, अभी उसको आवाज देते हैं कि आ जाओ। आया एक, ये 1 मिनट स्टार्ट हो गया, जल्दी करो जल्दी 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 जल्दी। यहाँ पर अरमान को समझ नहीं थी आ रही कि डाइस कहाँ हो सकता है। जल्दी कर, जो है 15 सेकंड 16 सेकंड हो चुके हैं, जल्दी करो जल्दी जल्दी। अभी तो ये गेम्स नॉर्मल थी, लेकिन आगे वाली गेम्स बहुत मुश्किल थी। यहाँ पर अरमान दाने के बहुत ज्यादा करीब था। यहाँ पर अरमान दाने के बहुत ज्यादा पास था, लेकिन इसने दाने की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। आखिरी सेकंड, 5 4 3 2 1 नहीं, इतनी जल्दी होता है तो अभी ये नहीं ढूंढ पाया। इसके बाद अरमान ने काफी ज्यादा दिमाग लगा के दाने को छुपा लिया। जब मैं अंदर आने लगा था तो थोड़ा सा अरमान इधर की तरफ से नीचे को उतरा था, तो मुझे शक था कि यहीं कहीं इसने छुपाया है। जब मैं लास्ट पे जब
इस वीडियो के टोटल 5 राउंड थे, जिसमें से एक राउंड मैं विन कर गया और एक अरमान। ये है मेरे पास बॉक्स, बहुत ज्यादा बॉक्स है, इनको बंद करके ना 2 मिनट का टाइम होगा, इनको बंद करके ऐसे जल्दी जल्दी से बंद करने हैं। ऊपर जिसे सबसे ज्यादा ये बॉक्स ऐसे बंद करके आप लिए वो इस चैलेंज का विनर हो जाएगा, और नीचे ये बॉक्स नहीं गिरना चाहिए। तो पहले 2 मिनट अरमान डब्बे रखने वाला, देखते हैं वो कितने डब्बे रख पाता है। वीडियो की स्पीड मैंने तेज कर दिया ताकि आप बोर ना हो जाओ। यहाँ पर अरमान बहुत स्लो स्लो काम कर रहा था और टाइम गुजरी जा रहा था। यहाँ पर आधा टाइम गुजर चुका था, लेकिन अरमान ने अभी तक 4 डब्बे रखे थे। ये डब्बे इतनी भी आसानी से बंद नहीं थे होने वाले, और जल्दी जल्दी में तो बिल्कुल ही नहीं। लेकिन अरमान ने फिर भी ठीक ठाक डिब्बे रख लिए थे। आखिरी सेकंड चाह रहे थे और डिब्बे के ढक्कन खत्म हो चुके थे। इसके बाद मैं डब्बे रखने लग गया। ये गेम तो बहुत ज्यादा सिंपल थी, लेकिन आगे वाली गेम्स बहुत ज्यादा मुश्किल थी। यहाँ पर काफी ज्यादा सेकंड पड़े हुए थे, लेकिन जो ना डब्बे के ढक्कन खत्म हो गए थे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 यहाँ पर अरमान मेरे साथ लड़ने लग गया कि तुम अपनी दफा डब्बे ज्यादा ले आए थे। मैं जीत चुका हूँ अभी यार, घुस गया कहते मैं ऐसे हो गया यार। टोटल 3 राउंड हो चुके हैं और 2 राउंड मैं विन कर चुका हूँ और 1 ये। अभी हम चलते हैं अपने 4th राउंड की तरफ, लेट्स गो। फोर्थ राउंड हमारा होने वाला है, ये समझ तो गए होंगे थोड़ा बहुत। मैं बता देता हूँ कि ये 2 रिंग है हमारे पास, टोटल हमने 4 दफा जो है ना इसके अंदर ऐसे करके रिंग फेंकनी है। जिसकी ज्यादा दफा रिंग चले गई वो हम दोनों में से एक जो है विनर हो जाएगा। फिर इस 4th राउंड को कौन विन करता है? पहली दफा जो है ना मैं अरमान को देने लगा हूँ। अभी राउंड स्टार्ट हो चुके हैं। मेरी बारी, तो अभी आ चुकी है मेरी बारी। तो देखते हैं यार मैं कितने ज्यादा कर सकता हूँ, 2 करेंगे तो फिर मैं जीत लूंगा। ओ यार 1 भी नहीं हो पाया, मैंने बहुत ज्यादा कोशिश की है, लेकिन विनर हो गया अरमान। मैं जीतूंगा ये जीतेगा, 2-2 बराबर है काम। तो अभी देखते हैं यार कौन जीत पाता है, चलते हैं नेक्स्ट राउंड की तरफ। ये राउंड हम दोनों के लिए जीतना बहुत जरूरी था। इस राउंड के बाद या 500 मेरे पास आ जाना था या 500 अरमान के पास चले जाना था। हम इस चेयर के इर्द गिर्द घूमने वाले हैं दोनों, और साउंड ज्यादा होगा और जब साउंड स्टॉप होगा यहाँ पर कुर्सी पे जल्दी से बैठना है, और जो इस कुर्सी पे बैठ गया वो इस राउंड का फाइनल विनर हो जाएगा। अभी देखते हैं कि मैं जीत पाता हूँ या। इस वीडियो का विनर हो चुका है अरमान, ये जो है ना 500। इसको जानना कि मैंने बहुत कोशिश की है कि मेरा 500 जो है ना बच जाए, लेकिन जो है ना इसके मुकदमों में था। आखिरी चैलेंज मुझे ये था कि यार जिस ज्यादा दफा जो है ना टक टक होगा पीछे तो शायद मैं बैठ जाऊं, लेकिन मैं बैठने लगा ही था कि जो है ना ये बैठ गया। तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।